छीन लेते हैं और उन गरीबों को पता नहीं कहां पहुंचा देते हैं। उस लड़ाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी। आप मुझे एक नेता बता दीजिए वो लड़ाई में वो नेता हो, क्योंकि बिल्डर और माफियाज ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले लेते हैं जो सालों से वहां रहते हैं उनका, और उसके बाद कोई उनके लिए लड़ने वाला नहीं है। वो लड़ाई मुझे लड़नी है। आप अपना मैं अपने आप को ही अपनी चुनौती मानता हूं। मेरे अंदर क्या कमियां हैं मैं उसको सही करके ये पूरे मेरी टीम के साथ मेहनत करूंगा। मैं देख ही नहीं रहा हूं लोग कहां जा रहे, कौन से नारे लगा रहे, क्या कर रहे। अगर मैं उनको देखने बैठ जाऊंगा तो फिर मैं काम क्या करूंगा। उन लोग मुझे जरूर देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है मुझे। भाई किसी पार्टी ने ऑफर किया, आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, किस पार्टी ने आपको ऑफर किया सामने से? हाँ किसी पार्टी को पार्टी ने मुझे लेना नहीं चाहती पवन जी। हाँ जी देखिए पार्टी घोड़ों को रखना नहीं चाह रही, गधों को ही भगाना चाह रही है जी। और या तो फिर खच्चरों को भगा रही है। घोड़े उनको चाहिए नहीं क्योंकि घोड़ा भागेगा और जॉकी ठीक नहीं है, घोड़ा भागा तो जॉकी गिर जाएगा। तो इसलिए अंधा राजा और काला सिपाही ऐसा हो गया है। देश को ये लोग क्या कर रहे हैं, देश के चार पायों को पहले हिला रहे हैं। अरे भाई इंडिया पाकिस्तान की डिबेट हमें क्या करना रे भाई, पाकिस्तान में क्या हो रहा, हमको हिंदुस्तान में क्या हो रहा उससे लेना देना हमको? हमारे बच्चों को नौकरी ही नहीं है, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है मुंबई के अंदर। मैंने हॉस्पिटल के लिए काम किया तो मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अस्पताल नहीं है जहां पे जाए तो आदमी तुरंत इलाज कर पावे। जो गरीब लोग जाते मरी जाते भाई, बाकी सब है कसाई खाने। अंबानी में आदमी जा नहीं पाएगा गरीब आदमी, वहां पे तो ये बड़े बड़े लोग जाते हैं और फिर बिल बनता है उनका, वो 5-star होटल है। उधर कोई भी आता पीछे के रास्ते से, ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊपर बड़े बड़े रूम है, गरीब आदमी कहां जाएगा भाई? वो कैंप्स में जाता है, इधर जाता है, वहां जाता है तो उसको बोलते अरे आप बैठिए लाइन में, ये फॉर्म भरिए। अरे गाली देने को मन करता है, हम पर पढ़ा लिखा होता है ये बेचारा गरीब तो फॉर्म नहीं भर रहा होता, तेरे को सिखा रहा होता तेरी ड्यूटी क्या है। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है वो, अब तू उसको फॉर्म दे रहे हाथ में, अब वो जाके 10 लोगों को पूछ रहा है भाई साहब ये फॉर्म कैसे भरते, भाई साहब ये बताइए जरा। अब वो आदमी बिजी है, बोलते भाई आगे जा, तो गरीब का तो जो बच्चा है या कोई वो तो मर जाएगा। तो क्या हो रहा है, मर रहा गरीब है। मुझे गरीबों की लड़ाई लड़नी है, मुझे ये क्या बोलते उसको अपर क्लास, आई डोंट केयर अबाउट देम। वो उन लोग का सब चल रहा है, उन लोग अपना टैक्स भर रहे, खा रहे पी रहे, चोरी कर रहे, सब कर रहे। आई एम कंसर्न अबाउट दिस पीपल जो अपने हक के लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं और अब इतना रो चुके हैं कि वो अपनी गुहार को भी नहीं उठा रहे, इतना दब चुके हैं वो, इतना दबा दिया। मैं उन लोग की आवाज बनना चाहता हूँ, चाहे वो दलित हो, मराठी हो, मुसलमान हो, फलाना हो, ढिमका हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी होना मांगता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स काफी चल रही है इंडिया में और काफी ज्यादा आगे सोशल मीडिया पे यूथ भी कहीं ना कहीं इससे काफी प्रभावित हो रहा है, तो इस पर क्या आपकी राय होने वाली है और आप इसे किस तरह से टैकल कर सकते हैं? धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है, ये धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है। एक धर्म का धंधा चल रहा है, मैं उसमें नहीं मानता हूं। मेरे साथ सागर नायडू चलते, मैं सो जाता हूँ ना तो नायडू जागता है, सागर जागता है। मैं मेरी माँ, उसका नाम है जोहरा बानो, मेरी माँ ने मुझे बड़ा तो किया लेकिन मुझे मेरी माँ के जैसा प्यार कमला ताई ने भी दिया, वो मराठी है भाई। शिवाजी की सेना में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे। जब वो सो जाते थे तो मुस्लिम जागते थे। आज हमारे यूथ को ये लोग क्या दिखा रहे हैं, उनको ये दिखाओ ना कि भाई मराठी और मुसलमान भाई है, एक ही पार्टी बना लो, फिर तुमको बीजेपी से लड़ना है तो तुम क्यों जा रहे हो कि मैं शिवसेना तो मेरे को सीट मिल जाए, मैं कांग्रेस, मैं ये, मैं वो। अरे तो तुम सब लोग इनसे लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम सभी को जाओ। अगर मराठी और मुसलमान महाराष्ट्र में एक हो जाए तो कोई और जीत सकता है? तो ये राजनीति है और ये धर्म पे हो रही है। तू मरा वोट दबजे, तू तू इसको दे, तू मेरे को दे भाई, मैं मुसलमान हूं तो मेरे को दे। मैं ये बोल रहा हूं
मुझे वोट दो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, तो मुझे वोट दो। और ऐसा नहीं है भाई, अभी मेरे भी कुछ मौलाना लोग अभी ये फैला रहे होंगे वहां पे, एजाज खान को वोट नहीं देना, वोट कांग्रेस को देना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है एजाज खान वोट काटेगा। अरे एजाज खान 26 महीना जेल काटा मौलाना, तुम थे क्या उधर? एक दिन में ताज्जुद पढ़ते और फिर सॉरी बोलते कि क्या हो गया, हमने सब लड़ाए। तो मेरे भाइयों, इस बार तुम्हारे दिल की सुनना, मौलाना बोले पंडित बोले किसी की मत सुनना, अपने दिल की सुनना और देखना कि कौन तुम्हारे लिए भाग के चेंज ला सकता है। राष्ट्रवाद पे वोट मत देना, मजहब पे वोट मत देना मेरे भाई, धर्म के लिए मत जियो, देश के लिए जियो। धर्म के लिए मत खेलो, देश के लिए खेलो। धर्म के लिए वोट नहीं, देश के लिए वोट देना है। दो आप लोग चाहोगे तो सब यंग नेता होंगे, कोई भी डायबिटीज ये वो कैंसर लॉन्सर वाले नेता नहीं होंगे, ये आपके हाथ में है। यंगिस्तान है हमारा हिंदुस्तान, क्या हो गया है। सर मेरे साइड से एक लास्ट सवाल ये है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री बनाता है और बीजेपी का और उनके सहयोगी का क्लियर है कि माननीय नरेंद्र जी को बनाना है, विपक्ष का भी क्लियर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल था, क्या आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहिए? माननीय नरेंद्र मोदी, वो बोल रहे थे मंगल सूत्र पे कोई बात बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और मंगल सूत्र क्या आपको लगता नहीं है कोविड वैक्सीन से जितनी औरतों के पति मर गए उनका मंगलसूत्र नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है जितने किसानों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, क्या उन लोगों का मंगलसूत्र नहीं है उनकी बहु बेटियों का? क्या जितने जवान देश के लिए बॉर्डर पे शहीद होते हैं उनकी बीवियों का, उनकी बच्चियों का मंगलसूत्र नहीं है? देखिए किसान और जवान देश के रीढ़ की हड्डी है, क्या आपको लगता है मोदी जी ये दोनों हड्डियों को संभाल रहे? मोदी जी किसको संभाल रहे? जो भी बड़े बड़े चोर है इस देश के वो बीजेपी में तुम्हें मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े रेपिस्ट है इस देश के वो तुम्हें बीजेपी में मिल जाएंगे। अब तो ये हो गया कि ऐसा है कि किसी ने अगर 10-12 हजार 15 हजार 1 लाख करोड़ का घपला किया है तो मक्का उसे टिकट मिल जाएगी बीजेपी में। और अब वर्षा गायकवाड़ जी भी, मुझे एक चीज उनकी बुरी लगी कि उनकी रैली में उन्होंने, वो सेक्युलर है, कांग्रेस पार्टी तो सेक्युलर है, चलो कहती है मुसलमानों के हमदर्द है, समझ में आता है, वो भी आपका वोट बैंक ही है मुसलमान, नहीं तो आप मुसलमान को सीट दे देते, किसी एमपी मुसलमान को खड़ा करते, लेकिन वो आप वोट बैंक ही है, वो आपका खेल है। तो आप अपनी रैली में जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, ये सेक्युलरिज्म नहीं हुआ, तो फिर आप खुल के जो है वैसे वोट मांगिए, ऐसे चल के वोट मत मांगिए। तो धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, देश के लिए कुछ कर सकते हो तो आप इसमें आइए, वरना आप लोगों को कोई हक नहीं है। जस भाई, चुनावी एरिया अगर देखा जाए तो वो काफी बड़ा है और दिन बहुत कम है, तो किस तरह से उसे कवर करने वाले हैं, लोगों तक कैसे पहुंचने वाले हैं, प्रचार किस तरह से करने वाले हैं और कौन कौन आपके साथ प्रचार? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 26 महीना एक जगह पे बिठा दूं उसके बाद बोलूं बाहर आ जा तो तू थकेगा रुकेगा? नहीं रुकता आदमी भाई, मैं अंदर इतना प्लान बना के आया हूं ना, 6 दिन आदमी एक जगह पे बैठ जाए तो उसको जैसा निकालेंगे ना तो ऐसा भागेगा। जानवर को गुफा में बंद कर देते, निकालते तो कैसा भागता है वो। अभी शेर को इन लोग ने गुफा में बंद कर दिया था, अभी लोग खोले शेर को, शेर अभी खाली दहाड़ेगा। मैं कहां सोने वाला हूं भाई, मेरे को तो ऐसे भी इंसोम्निया है, मालूम है ये बीमारी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है और वॉइस मेरे को भी है तो अब तू समझ जा। अपनी कंपेनिंग में किसको बुलाना पसंद करते हैं आप, अगर आप कंपेनिंग करेंगे अभी क्या अकेले करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। यार मैं कैंपेनिंग में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप ये स्टार को बुलाइए, ये मेरे सारे स्टार दोस्त हैं, सारे इन्फ्लुएंसर बच्चे मेरे दोस्त हैं,
अब क्या मैं इनको बुला बुला के अगर वोट मांगूंगा मेरे को वोट दो मेरे को वोट दो, तो मेरा खड़े रहने का मतलब ही क्या हुआ? मैं अपने लेवल पे मेहनत करके वोट लूंगा, पल पे बल अपना बल, इसलिए डम्बल लिया हूं मैं, पल पे बल अपना बल इसलिए लिया मैंने डम्बल, समझे कि नहीं समझे? आई विल फाइट, आई विल टेक माई पीपल, आई विल गो टू एवरीबडी एंड आस्क मुझे वोट दो, अगर आपको ठीक लगता है मेरा यह प्लान है मैं ये कर सकता हूं। और मेरे साथ सब यंग लड़के हैं, स्पोर्ट जूते ले लिए हम लोगों ने सबने, रुकने का कोई शॉट नहीं है, और हम लोग साइकिल ले लेके सब जगह जाएंगे, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो शिवसेना और बीजेपी का रैली था तो इन लोग आपस में लड़ रहे, पूरे पब्लिक वहां पे, एक एम्बुलेंस थी वो एम्बुलेंस को निकल नहीं पाया, बच्चा पता नहीं कोई बीमार था उसमें, तो ये सब तकलीफ है जनता को क्यों? जनता के लिए कर रहे हो जनता को तकलीफ, अभी तो आई भी नहीं और तकलीफ चालू जनता को। अभी कौन किसका बच्चा रहेगा, वो क्या रहेगा, उसको एम्बुलेंस को जगह नहीं, ये लोग लड़ते जा रहे, पुलिस परेशान इनके वजह से। क्या हमारे पुलिस वाले इसलिए है सिर्फ कि इन लोग को रोकते रहे हुए लाठी लेके धक्के देते रहे हुए? अरे तमीज से जाओ रे, तमीज से आओ। तो जनता को परेशान मत करो, जनता को सपोर्ट करो, जनता के लिए लड़ो, और मैं जनता के लिए हूँ, मैं गरीबों के लिए लड़ना चाहता हूँ और मैं लड़ूंगा। भाई एक बात बताऊ, कल सुबह तू और मैं उठेंगे कि नहीं ये मालूम नहीं है, तो वोट कितने आएंगे तेरे को अभी से कैसे बताऊ? मैं क्या कोई बीजेपी का कोई नेता हूँ क्या? सर मेरा एक सवाल है, गरीब जनता की सबसे बड़ी परेशानी होती है महंगाई, अगर आप जीतते हैं तो उसके बारे में जनता को बता सकते हैं कि क्या करेंगे? भाई देखिए महंगाई ऐसी है कि महंगाई जहां से पास होती है वहां पे मैं ऐसा मारते रह जाऊंगा होगा नहीं कुछ, लेकिन मैं लड़ाई तो लड़ सकता हूँ, इनके लिए आवाज उठाऊंगा, असेंबली में बोलूंगा कि भाई क्या कर रहे हो? अभी क्या है देखो भाई, ये सूबे पे बैठे ठेकेदार है, इन लोग जब आते हैं तो अब मैंने ना दुनिया देख ली, ये लंदन अमेरिका ये वो वैसा वैसा, सच बोलूंगा तुम लोगों को, हर मॉडल खूबसूरत लड़की घुमाया, उस टाइम पे हीरो वाला फील था, वो सब किया, पार्टी किया, नाचा गाया सब कुछ किया, दुनिया देखी, हर किस्म की गाड़ी चला ली, बाइक चला ली, हर किस्म की घड़ियां पहन ली, एक लालच सी मर गई है मेरी यार, मैंने सब देख लिया, हर मौसम हर कलर हर सब कुछ देखा मैंने, और उसके बाद मैंने एक अंधेरा देखा, और जो अंधेरे में मैं बैठा ना तो मेरे को ऊपर वाले ने बोला क्या रे समझ में आ रहा है क्या तेरे को? सब बैठा हूं इधर खटमल चल रहे ले, इधर सब चिल्ला रहे पब्लिक, लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे, मुझे लग रहा है यार कहां पे आ गया हूं मैं यार। मेरा ऊपर वाला बोलता पब्लिक के लिए कुछ कर जैसा तू करता था पहले, अभी छोड़ के तू वापस क्या कर रहा है? फिर मैंने जेल में लोगों के लिए चार्जशीट पढ़ना शुरू किया कि मैं जेल में लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं, जिनको चार्जशीट पढ़ना नहीं आ रहा था मैं उनकी चार्जशीट पढ़ के उनको पॉइंट बता रहा था, फिर जिनको अर्जी लिखना नहीं आ रहा था उनके लिए मैं अर्जी लिखता था, जितने भी बुजुर्ग लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, जिनको लोग भूल गए, घर वाले भूल गए, जज भी भूल गया उनको, मतलब एक साल की सजा में चार साल से अंदर है आदमी, उसको कोई इंसाफ नहीं है ना उसका कोई बोलने वाला है। मैंने एक जज को लेटर लिखा कि माय लॉर्ड आई एम इन योर कस्टडी, माय सेंटेंस इज फिनिश्ड, स्टिल आई एम इनसाइड। वो जज वो पढ़ के ना वो बोले अरे बाप रे बाप, ये आदमी चार साल से अंदर है, बोले एक साल की सजा दी, वो उसको तारीख पे नहीं भेजे, तीन साल, वो तीन साल तारीख पे